शुरू कर लेते बड़ी खबर का। रादौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंदिर के गेट पर थैले में बंधा हुआ नवजात में बच्चा मिला है। रादौर के नाचरौन गांव के मंदिर में ये बच्चा मिला। बच्चे का रोना सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। प्रीमैच्योर होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। तो जिस तरीके से मामला सामने आया, प्रीमैच्योर होने के कारण अस्पताल में बच्चे को भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। मंदिर के गेट पर थैले में बंधा हुआ यह नवजात बच्चा मिला है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, पुलिस को सूचना दी। आनंद फानंद में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और उसके बाद बच्चे की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया। प्रीमैच्योर होने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है फिलहाल और लगातार जांच पड़ताल जारी है और बच्चे का इलाज भी चल रहा है। तो रादौर का ये पूरा मामला, जहां पर मंदिर के गेट के बाहर पॉलिथीन में एक बच्चा मिला, जिसके बाद आनंद फानंद में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंदिर के गेट में थैले में बंधा हुआ ये बच्चा मिला है और रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को अपने कब्जे में लेकर सीधा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बच्चे का इलाज चल रहा है। तो मैंने देखा यहाँ वो टंग रहा ठेला, तो फिर मैं आया देखा उसमें कौन कौन सी रही। मैं कहा वहाँ कहीं कुत्ती का बच्चा मुझे नहीं झाड़ दिया, वो दुबड़े में दुबड़े में झाड़ा तो उसमें से एक बच्चा निकलिया। फिर मैंने गुद्दी ठह लिया, गुद्दी ठहका फिर अंदर ले गए, माड़ा मोटा दूध सब पिलाया उन्होंने, वैसे पानी पिलाया। फिर उसके बाद वो सरपंच को फोन कराया, सरपंच ने कहा भाई तो पुलिस को फोन कर दे। फिर वो 112 बन फोन कराया, फिर मैं आ गए, वो उसको ले गया अस्पताल में दाखिल कर दिया रादौर।